नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आज आप लोगों को अपनी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, गुलमोहर। इसे पाठकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, इसीलिए मैं इसको ऑडियो के फॉर्म में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस कहानी का शीर्षक है गुलमोहर और यह आज इसका पहला भाग है। यदि आप इसके किरदारों में कहीं अपने आप को पाते हैं तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी गुलमोहर का यह पहला भाग। गर्मी की छुट्टियां बीतने के बाद आज स्कूल पुनः शुरू हो गया है। जून का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल हल्की बारिश हुई है और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में व्याप्त है। कुछ गर्मी है और थोड़ी उमस भी है। शायद गर्मी जाना नहीं चाहती और बारिश आने के लिए बेताब है। मानसून की शुरुआत हर साल ऐसे ही होती है। बारिश की बूंदें अपने साथ केवल पानी ही लेकर नहीं आती हैं, बल्कि मन में भी यादों के बादल घुमड़ घुमड़ आते हैं। बचपन में जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल पुनः शुरू होता था तो मन में एक अजीब सी उत्तेजना, एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। नई किताबें, नया यूनिफॉर्म, कुछ नए शिक्षक और कुछ नए दोस्त। आज जिंदगी के 45 वसंत देखने के बाद भी वैसी ही बेचैनी मेरे मन में है। आज मैं एक शासकीय विद्यालय में व्याख्याता बन गया हूँ। लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं अध्यापन करते हुए, लेकिन आज भी जब स्कूल खुलता है तब ऐसा लगता है कि मैं फिर से छात्र बन गया हूँ। बचपन में जब कोई शिक्षक या शिक्षिका नहीं आते थे तो बहुत खुशी होती थी कि चलो आज इस विषय की पढ़ाई से बच गए। आज उल्टा हो गया है। आज जब किसी कारणवश बच्चों की छुट्टी होती है और हमें विद्यालय में आना पड़ता है तब यह सोचकर अच्छा लगता है कि चलो आज क्लास में जाना नहीं पड़ेगा। मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन मेरे अंदर शायद आज भी एक बच्चा है जो हमेशा अवकाश चाहता है, जो फुर्सत के इन लम्हों को जी भरकर जी लेना चाहता है, अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक। अभी प्रार्थना शुरू होने में कुछ वक्त है। मेरे विद्यालय के प्रांगण में एक हरा भरा गुलमोहर का पेड़ है। उसकी हरी हरी पत्तियां और उन पत्तियों से भी ज्यादा उसके लाल पीले फूल मुझे हमेशा आकर्षित करते हैं। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें भी एक ऐसा ही गुलमोहर का पेड़ था। यह भी हो सकता है कि कुदरत ने गुलमोहर को ऐसा डिजाइन किया है कि वह बरबस ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रार्थना के बाद सभी छात्र और शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं। मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया है कि मुझे 10वीं कक्षा का क्लास टीचर बनाया गया है। क्लास टीचर की जिम्मेदारियां कुछ अलग और कुछ ज्यादा भी होती हैं। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर मेरा अभिवादन किया। अटेंडेंस के बाद मैं जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर चौक से कुछ लिखने के लिए मुड़ा, मुझे किसी छात्रा की आवाज सुनाई पड़ी, प्लीज मे आई कम इन सर। मैंने मुड़कर देखा और देखता ही रह गया। वो स्कूल की एक नई छात्रा थी। इससे पहले कि मैं उसे अंदर आने की इजाजत देता, मैं अपनी यादों के गलियारे में लगभग 30 साल पीछे चला गया। 30 साल पहले मैं भी कक्षा 10वीं का छात्र था। कस्बा होने के कारण और वहाँ केवल एक ही शासकीय स्कूल होने के कारण हम सभी छात्र छात्राएं प्रायः एक दूसरे को जानते थे। आज गर्मी की 2 माह की छुट्टियों के बाद मेरा स्कूल पुनः शुरू हो रहा था। मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ अपने क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी किसी लड़की ने मुझसे पूछा, 10वीं की क्लासरूम कौन सी है? मैंने क्लासरूम की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में कुछ विशेष माधुर्य था। यह भी हो सकता है कि लड़कों को सभी लड़कियों की आवाज में माधुर्य का एहसास होता हो, विशेष रूप से किशोरावस्था में। किशोरावस्था में कुछ ऐसे हार्मोन्स
शरीर में सक्रिय हो जाते हैं कि लड़कियों की आवाज पतली और लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। वो मेरे स्कूल में नहीं थी और संभवतः गांव में भी। वो मेरी क्लासमेट बनने वाली थी और भविष्य में न जाने मेरी जिंदगी में कहां तक असर करने वाली थी। अभी मुझे इसका इल्म नहीं था। उसके आने की मुझे बहुत खुशी हुई, यद्यपि मैं उसे जानता नहीं था। उसके क्लासरूम में जाने के बाद भी एक भीनी भीनी खुशबू सी अब भी हवा में तैर रही थी। सफेद कबूतर की तरह उसका साफ सुथरा यूनिफॉर्म, बहुत सुंदर सुंदर दो चोटियां और उसकी मासूम निगाहें, जिनमें न जाने कितने ख्वाब पल रहे होंगे। उसके क्लासरूम में जाने के बाद भी मैं उसकी ओर देखता रहा। उसका नैसर्गिक सौंदर्य ही कुछ ऐसा था मानो बारिश के बाद धुली हुई धरती, पौधे, फूल और कलियां। मैं मंत्रमुग्ध नहीं बल्कि सम्मोहित महसूस कर रहा था। मेरे मित्र ने मुझे झिझोड़ कर कहा, अब बस भी कर भाई, क्लासरूम तक छोड़ के आएगा क्या? पल भर के लिए मैं शर्मिंदा हो गया कि आज ये क्या हो गया मुझे, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। स्कूल का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा। सभी शिक्षकों और छात्रों का आपस में परिचय हुआ और शिक्षकों ने हमें सिलेबस के विषय में कुछ जानकारियां दी। परिचय के दौरान ही मुझे पता चला कि उसका नाम अपर्णा है, अपर्णा शर्मा। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मुझे कम से कम उसका नाम बिना पूछे आज ही पता चल गया। उसे भी मेरा नाम पता चल गया था कि जिससे उसने क्लासरूम के विषय में पूछा था वो उसके क्लास का ही छात्र राहुल मिश्रा है। आज ये सारी बातें मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि मेरी कक्षा में छात्रा के रूप में अंदर आने की अनुमति मांगने वाली लड़की हुबहू उसी अपर्णा शर्मा की तरह दिख रही है। न केवल उसका रूप, रंग और कद काठी, बल्कि आज 30 साल बाद भी परफ्यूम की वही भीनी भीनी खुशबू जिसे अपर्णा शर्मा लगाया करती थी। यहाँ तक कि इस लड़की की आवाज में भी वही माधुर्य है। मैं ऐसा सोचने लगा कि ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है कि दो लोगों का न केवल रंग रूप कद काठी बल्कि परफ्यूम की पसंद और आवाज भी पूरी तरह मेल खाती हो। तो यह था मेरी गुलमोहर कहानी का पहला भाग और भाग दो हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।